इस तरह से तो फिर आदमी कभी सुधरेगा ही नहीं कि जब मर्जी गलतियां करो और फिर कर लो फिर आ जाओ फिर कर लो फिर, ये नहीं होता। वो अंदर की खुशियां ऐसे कट जाती हैं और फिर वो अनहद नाद, फिर वो नूरानी स्वरूप के दर्शन, फिर वो खुशियां जो कि अतुट बरसती हैं, जो कभी टूटती नहीं, उनमें कमी आ जाती है। जो आपको मिलना चाहिए था गुरुमंत्र से, उससे आप खाली रह जाते हैं। इसलिए साईं जी ने ये सच्चा सौदा इतना बढ़िया सौदा बनाया है, बिल्कुल सिंपल है। ना धर्म छोड़ना, ना जात, ना मज बदलना, ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है। राम नाम जपो, बस चलते जपो, लेट के जपो, बैठ के जपो, काम धंधा करते जपो। वरना तो कहा जाता है जंगलों में जाओ, ध्यान जमाओ। कितना महापरोपकार किया है उसको आप मजाक में मत लीजिए। सोचिए कि सतगुरुदाता ने, शास्त्र नाम श्याम स्थान रहबर ने कितना महापरोपकार किया है। हमें गुरुमंत्र देके चंद शब्द, चंद अल्फाज, और हमने छोटा सा काम करना है, बस तीन परहेजों में पक्के रहने, दृढ़ यकीन रखना, मन काबू ना आए आप सिमरन करो। हम आपको लिख के गारंटी देने को तैयार हैं, या तो नींद आ जाएगी या मन रुक जाएगा, दोनों में एक काम पक्का हो जाएगा। सुमरन करते करते नींद आ जाए तो हो सकता है नींद में भी सतगुरु बेड़ा पार कर दे। ये मनोवैज्ञानिक सवाल भी है, क्योंकि हमने विज्ञान पढ़ा है। आपको पिछली बार बोला था अपने अनुभव ही बताया करेंगे, सारे अनुभव हैं महसूस किए हुए और कर रहे हैं जो आने वाले टाइम के, कि आप सुमरण करते हैं और मान लीजिए कई बार कई बहनें, भाई, बच्चे, बुजुर्ग जिनको नींद नहीं आती, एक बीमारी सी हो जाती है, गारंटी है आप लेटे लेटे सुमरण करना शुरू कर दो, उसको और स्पीड से करो, फिर धीरे धीरे करते जाओ, यकीन मानो या तो नींद आ जाएगी या फिर प्रीत बढ़ जाएगी, और 100% नींद आएगी। काल नहीं चाहता नेगेटिव पावर कि आपको रूहानी दर्शन हो जाएं, वो एक लिमिट तक तो सहलेगा, उसके बाद का यार इसको नींद ही दे दो, बस आपका काम हल हो गया, नींद भी आ गई और सुमन करते करते सोए हो, अंदर नूरानी दर्शन भी, चलो रूहानी नूरानी जिस्मानी दुनियावी कोई दर्शन तो पक्का होंगे। आप करो ही कुछ ना, लेटे लेटे चलाई कुछ और ही सिस्टम रहे हो, अंदर टेप रिकॉर्ड कुछ और ही चल रही है, तो फिर भाई कैसे मिलेंगे वो चीजें, कैसे आएंगे वो खुशियों के लम्हे जो बेपरवाह जी ने आपके लिए निश्चित कर रखे हैं, कि सच्चे सौदे का मुरीद वचन माने, थोड़ा सुमन कर ले, एक पैर यहां और दूसरा सचखंड। वो दूसरा पैर बैठे बैठे कैसे जाएगा? तभी जाएगा ना जब आप अमल करोगे।